आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन की घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमारे पास यहाँ पे चार दिए गए हैं। पहला क्रॉसिंग ओवर, जिसे जीन बिन में बोलते हैं। दूसरा सिनेप्सिस, जिसे सूत्र युग्मन बोलते हैं। तीसरा केजमेटा है, केजमेटा का अंत। और चौथा है केंद्रिका का अदृश्य होना। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है BADC, दूसरा है BACD, तीसरा है ABCD और चौथा है BCDA। ठीक है, तो यहाँ पे चार क्रियाएं दी गई हैं जो कि कोशिका विभाजन में होता है। तो यहाँ पे जो कह सकते हो मियोसिस की बात हो रही है, जिसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में जो कि ठीक है क्या होता है, अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, जिसे हम एम फेज बोलते हैं। तो उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज होता है। तो इसमें प्रोफेज में ठीक है, प्रोफेज में क्या होता है, उप अवस्था होती है। ठीक है, उप अवस्था, जिसमें क्या, जिसको क्या बोलते हैं, इनमें कितने मुख्य अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, इनमें मुख्य पांच अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकेटीन, चौथा डब्लोटीन और चौथा है डाइक। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बात करते हैं, संरचना से समझते हैं। यहाँ पे फ्लो चार्ट जो दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पे लेप्टोटीन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है कंडेंस होता है, यानी संगठित होता है। उसके बाद जाइगोटीन आता है, तो जाइगोटीन में सिनेप्सिस बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है, सिनेप्सिस। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब सिनेप्सिस सबसे पहला होगा। यहाँ लिख देते हैं, सबसे पहला यानी ए होगा हमारा, जो बी दिया गया, सिनेप्सिस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पैकेटीन में क्या होता है। ठीक है, पैकेटीन में टेट्राड बनते हैं। ठीक है, क्या बनता है, टेट्राड। क्रॉसिंग ओवर होता है, क्योंकि टेट्राड जब बनेगा तभी क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैकेटीन में क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर। तो बी ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन का, क्रॉसिंग ओवर, जिसमें क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थों का विनिमय होता है, यानी परिवर्तन होता है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे है डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में क्या होता है, कैजमेटा बनता है और इसी में इसका अंत होता है। तो हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे सी ही होगा। ठीक है, कैजमेटा का अंत होगा और कैजमेटा डिप्लोटीन में बनता है। उसके बाद डाइकाइनेसिस में क्या होगा, ये जो केंद्रिका होता है उसका अदृश्य होना शुरू हो जाता है यहाँ डाइकाइनेसिस से। उसके बाद ये फिर डाइकाइनेसिस से कहाँ चला जाता है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज वन में चला जाता है। ठीक है, तो ये पूरी क्रियाएँ होती हैं। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन ये हो जाएगा डी, ए सही है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सबसे पहले बी है, ए है, सी है, डी है। तो हमारा राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा सेकंड। बाकी फर्स्ट थर्ड क्या हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड फोर गलत हो जाएगा। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।